बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगारे आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अजादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जहाँ जहाँ जिक्र मजलूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता कयाम कयामत आबाद रहे। आली मर्तबत इज्जत माँ जनाब इमरान शाह साहब और उनके दोस्तों भाइयों अजीज़ों बच्चों पर्देदारों की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बंदे बोल लेते हो ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। अजादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। बिस्मिल्लाह अजादार घरों के बेटों को रिस्क अता फरमा। मेरे मालिक मेरे वतन की खैर फरमा। पाक आर्मी को हर महाज पे कामयाबी नसीब फरमा। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस न जाए। इज्जत मुआब आली मर्तबत बाबा अख्तर शाह जी और पखियाले से लेके मुर्शिद इमरान शाह जी तक इतने अजादार दूर दूर से शरीके पुरसा हैं। शहजादी सबकी नौकरियां कबूल फरमाए। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। इस जिक्र का सदका हम गुनहगारों को मालिक हम गुनहगारों को आखिरी सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। देखा ही अब है मैंने इंतहाई वाजिबुल एहतराम हमारा लाडला जनाब ज़ुरियत इमरान शाह साहब का आप देख ही रहे हैं। तबीयत नासाज है और फिर भी जिक्र मौला में शिरकत के लिए हाजिर हुआ है। सारे बंदे आमीन कहो। मौला जिक्र हुसैन का सदका शिफाए कुलियत सलामत रहें सदा आबाद रहें। मजबूरी बन गई 9 अक्टूबर के हवाले से मुझे 2 मील से कराची में पढ़नी है और वो 2 रबी अव्वल बन गई है। वरना इमरान शाह साहब से लेके आखिरी अजादार तक गवाह है मैं सारा सारा दिन सारी सारी रात इसी मजलिस में बाबा जी बैठा रहूं। मैं माजरत खां हूं इमरान से भी आपसे भी। अल्लाह आपको इज्जत दे। ज़्यादा ज़्यादा 4-5 जुमले कहने हैं। आपकी तबीयत बन गई एक टुकड़ा नज़म का। बेटा ये सोशल मीडिया वाले स्पेशली ये सेल वाले को मेहरबानी करना शुरू कर दो बेटा। ये मजलिस हुसैन है ये गेट टुगेदर पॉइंट नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा। खुदा का वास्ता अंदाज़ा तो करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ हो क्या रहा है और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं। मौला का वास्ता ये को पार्क नहीं है ये को फेस्टिवल नहीं है ये को पिकनिक पॉइंट नहीं है ये को गेट टुगेदर मूव नहीं है। ये जिक्र हुसैन है बेटा। जब हम तय कर चुके हैं कि जिक्र हुसैन कम से कम नमाज है कि आप पढ़ती नमाज में भी सेल्फी बनाते हैं। क्या मजाक बना दिया जिक्र हुसैन को। मेहरबानी कर बेटा मेरी तस्वीरें हैं तेरी बड़ी मेहरबानी। क्या तमाशा बना दिया आप लोगों ने जिक्र हुसैन। एक तो लाइव मजलिस वालों ने मजलिस में चल के आने के सवाब से ही लोगों को महरूम कर दिया। मैं सब कैमरामैन को जानता हूं सब मेरे बच्चे हैं। बेटा बैठ जा मेहरबानी कर। अल मशियो इलल मस्जिद अल मशियो इलल मजलिस। मासूम से किसी ने पूछा आपको चलना कहां पसंद है। फरमाया या मस्जिद की तरफ या मजलिस की तरफ। मैं सरदार नुसरत खान साहब का शुक्रगुजार हूं। मैं उनका टाइम पढ़ रहा हूं उनकी मेहरबानी। या मुझे मस्जिद की तरफ चल के जाना पसंद है। आओ बिस्मिल्लाह आओ आओ बिस्मिल्लाह। बेटे रास्ता दे दो बिस्मिल्लाह। या मुझे मजलिस की मस्जिद की तरफ चल के जाना पसंद है या मजलिस की तरफ चल के। बाबा जी इजाजत है। बड़ा कर्ब है मेरे अंदर बड़ी तकलीफ है मेरे अंदर। पूरी मुल्क की करीम मौजूद है तो मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। इमरान जी आप बुरा ना मानिएगा। दुरियत अगर इजाजत हो तो
यानी हमने मजलिस सुनने वाली इबादत थी, हमने उसे देखने वाली इबादत कर दी है। लाई मजलिस ने मजलिस का हुस्न। चाचा एक मिनट, मैंने गल कर दी, तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरी तेरी बड़ी मेहरबानी, मैंने गल कर दी, तेरी बड़ी मेहरबानी। लोगों ने मजलिस सुननी थी, अब लोगों ने मजलिस देखनी शुरू कर दी है। नाश्ता भी हो रहा है, मजलिस भी चल रही है, सिगरेट भी पिया जा रहा है, मजलिस भी चल रही है, गपशप भी हो रही है, मजलिस भी चल रही है, चाय भी पी रहे हैं, मजलिस भी चल रही है। हाँ बेटा, किसको बुलाना है? कैन गो फ्रॉम हियर। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही। मजलिस की रूह ही खत्म होती जा रही है। ऊपर से जाकिर मजलिस में दाखिल होता है, चाहे वो शौकत वाला शौकत, चाहे जुरियत इमरान है, चाहे सरदार साहब हैं, जो भी जाकिर मजलिस में आया, आप फोन लेके सेल लेके उसके पीछे भाग पड़े। मसाइब हो रहा है, फजाइल हो रहा है, आप सेल्फी बना रहे हैं, आप अपने मूड में खड़े हुए हैं। सच बताओ, अपने बाप के जनाजे पे भी कोई यूं करता है? यह हमने तय किया हुआ है, ये जनाजे हैं आले मोहम्मद के। अपनी माँ के सामने भी कुछ तरह करता है जैसे हम यहां करते हैं? वीडियो बनाओ, सारे बच्चे जितने बना सकते हो, लाइव चलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं इमरान शाह से पूछे बगैर कह रहा हूं। क्या मजाक बना दिया मजलिसों को? क्या तमाशा बना दिया मजलिसों को? हुसैन का वास्ता। तुम लोगों के इस मिसबिहेव की वजह से जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हम जानते हैं। बाबा जी तस्दीक करेंगे। पूछते हैं लोग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? गाजी का वास्ता। मजलिस को मजलिस रहने दो। ये तुम पढ़े लिखे बच्चे, तुम्हारे पास सेल हैं, तुम स्कूल जाते हो, अपने पीरियड टाइम में भी अपना सेल खोलते हो? नहीं। कॉलेज में खोलते हो? नहीं। यूनिवर्सिटी में खोलते हो? नहीं। और तुम अपने टीचर के सामने, अपने प्रोफेसर के सामने, अपने लेक्चरर के सामने ये सेल फोन नहीं खोलते, हुसैन के सामने खोल के बैठे हो? ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ बंधे, ये मेरे हाथ बंधे हूं। मैं 40 साल पढ़ चुका हूं, मैं हर सैयद का नौकर हूं, मैं औलादे बतूल का कमी हूं, मैं हर मातमी का नौकर हूं। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मौला का वास्ता मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौला का वास्ता। हम कश्ती बड़ी मुश्किल से यहां तक ले आए, ये हम जानते हैं। हमने इसके लिए खून दिए, हमने इसके लिए मकान दिए, हमने इसके लिए बड़े बड़े कमाल खतीबों के, कमाल मातमियों के, कमाल अज़ादारों के जनाजे उठाए। मोहसिन नकवी शहीद आल्ला मकामा से लेके अलामा नासिर शहीद आल्ला मकामा तक और अलामा नासिर से लेके नुसरत शहीद तक पता नहीं कितने जनाजे हमने उठाए हैं, कितने घरों को आग लगी है, कितने घर जलाए गए हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे गैर ज़रूरी रवैये से मजलिस हुसैन का हुस्न ख़राब हो रहा है। जो नाराज हुए मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मेरे पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, मेरा बच्चा, तुम स्कूल लाइफ गुजार रहे हो, तुम कॉलेज लाइफ गुजार रहे हो, तुम यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार रहे हो, बेटा तुम हालात को समझो तो सही, तुम हालात की संगीनी पे नजर तो करो। हालात किस तरफ जा रहे हैं? ऊपर से मजे की बात यह, जो लाइव चला रहा है, खुदा ना खास्ता किसी जाकर, पीछे बैठो, पीछे बैठ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, किसी जाकिर किसी खतीब के मुंह से कुछ निकल भी गया है कोई ऐसा जुमला, तो सबसे पहले तुम ही उसका क्लिप बना के आगे बांट देते हो। अगर किसी गरीब से स्लिप ऑफ टंग हो ही गया है और उसे नहीं पता चला कि यार मैंने क्या कह दिया है, तो आधे घंटे बाद तुम ही पूरी दुनिया को खुद बता रहे होते हो, आज ये आ गया, ये आ गया, उसका क्लिप चढ़ गया। गाजी का वास्ता, जिक्र हुसैन का वास्ता। मैं माफी चाहता हूँ, बुरी लगी हो तो मैं तुम्हारे कदमों पर हाथ रखने को तैयार हूँ। जिस जी बड़ी मेहरबानी, आप भी थोड़ा सा आप लोग भी अपने आप पे काबू करें। मैं नारा लगाने से मना नहीं कर रहा। मजलिस का अपना एक हुस्न है, अपना एक मेयार है, मजलिस की अपनी एक तरतीब है। जो साहब रूठ के चले गए मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ, लेकिन वो हर एक मिनट के बाद खड़े हो जाएंगे तो जाकिर क्या पढ़ेगा और मजमा क्या सुनेगा? जिसके नाम से हे सीन नून मुस्तार लेके हुस्न खल्क किया जाए, उस हसीन को शरीयत में हसन कहते हैं।
शाबाश शाबाश, इतनी बड़ी दाद है। क्या जरूरत है खड़े होने की और क्या जरूरत है शोर मचाने की, क्या जरूरत क्या है खप डालने की। मेहरबानी सैयद, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। खुदारा जाकिर न सुनो जिक्र सुनो, जाकिर के लिए ना आओ जिक्र के लिए आओ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें आसान करके नहीं समझा सकता। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जाकिर के लिए ना आओ जिक्र के लिए आओ। जाकिर न सुनो जिक्र सुनो, जात नहीं देखनी बात देखनी है। भाई नुसरत मेहरबानी यार, एक बारी बात शुक्रिया, बस मैं गया गाजी इस तरह ने, मैं बानी की हैसियत से हाजिर हूँ और शुक्रिया अदा करने आया हूँ आप सब दोस्तों का, कितनी दूर दूर से आप तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे दोनों हाथ माथे पे आने वाले हर अजादार की, पखियाला लाहौर फैसलाबाद चकवाल झामरा मुल्तान जलालपुर झंग कहाँ कहाँ का नाम लूँगा, कहाँ कहाँ से अजादार आए हुए हैं। जड़ा वाला मालिक आपको इज्जत दे, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। छोटी सी एक बात कर रहा हूँ, एक रुबाई पढ़ रहा हूँ और जा रहा हूँ। तुम्हें जिक्र हुसैन का वास्ता, तुम्हें इस बारगाह की इज्जत का वास्ता, तुम्हें हर मजलिस हुसैन का वास्ता। कौम बनो मजमा न बनो। खुदारा मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, कौम बनो मजमा न बनो। हे सीन नून उधार लेके मुस्तार लेके, हुसन खल्क किया गया उस हसीन को हसन कहते हैं। मुझे पता है नाराज लोगों से दाद लेना बड़ी मुश्किल बात होती है, दो चार ही बंदे ऐसे हैं जो मेरी इन बातों पे राजी होंगे, बाकी सारे बच्चे इमरान शाह नाराज बैठे ने। तुसें को बोलिया हूं इन्हें छोरा को नहीं बोलना मेरे नाल, तुसा कोई उतों को दाद शाह देवी इन्हें छोरा को नहीं बोलना, आए तो रुसे बैठे। मोहम्मद मोहम्मद से पहले नहीं है। मेहरबानी बहुत शुक्रिया हुसैन इस्ता देव ने, मैं प्याना जमीन पे मोहम्मद मोहम्मद से पहले नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं सीडी नहीं पढ़ रहा, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मोहम्मद से पहले मोहम्मद नहीं है, अली से पहले अली नहीं है। बेटा इधर से आना जाना बंद करो लोगों का, प्लीज उनसे कहो अब इधर ना आने दे। मोहम्मद से पहले मोहम्मद नहीं है, अली से पहले अली नहीं है, हसन से पहले हसन नहीं है, हुसैन से पहले फर्श पे हुसैन नहीं है। ये सारे नाम अर्श से आए हैं। बाबा अख्तर शाह जी से लेके आखिरी मातमी तक पांच बंदे बोलो 14 की कसम है मैं राजी हूं। मोहम्मद ये नाम अर्श से आया, अली ये नाम अर्श से आया, हसन अर्श से आया, हुसैन अर्श से आया। जाओ अल्लाह की इस पूरी कायनात में ऐलान कर दो शिया कौम का सबसे छोटा नौकर शौकत रजा शौकत बूरे वाला मरकजी मजलिस में इमरान शाह के यहाँ मिंबर पे ऐलान कर रहा है, अल्लाह की कायनात में अकेली हवेली है अबू तालिब की जिसमें आने वाले बच्चे बराए नाम भी फर्शी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे। जिसे अली कहना आता है वो बोले हाय दरी। रामबास जी वो मेरा बछड़ा मुर्शिद गाजी इस्ताने में, यार ये रास्ता बंद नहीं कर देते आप प्लीज। अच्छा यासर बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला जियो सलामत रहो। अल्लाह की इस पूरी कायनात में हैदरी अकेली हवेली है आले मोहम्मद की जिसमें आने वाले बच्चे बराए नाम भी। बेटा तू को मेहरबानी कर आना जाना बंद करा दे, मेरी तवज्जो तकसीम हो रही है, तेरी बड़ी मेहरबानी। जिसमें आने वाले बच्चे बराए नाम भी फर्शी नहीं है। थोड़ा जहां सा गरीबा ना नहीं बोलिया कर है? हाँ जिसमें आने वाले बच्चे बराए नाम भी फर्शी नहीं है। अगर मेरी मदद करो बेटा जी, अल्लाह आपको जिक्र की ताकत अता फरमाए, जुग जुग जियो। अगर मेरी मदद करो एक जुमला मैं और कहूं, मेरा जी बहुत चाह रहा है। आओ
40 अशरे में पढ़ चुका हूं, 40 बरस के मुताले की कसम है बाबा अख्तर शाह, मैं दाद लेने के लिए झूठ बोलूं मुझे अगला सांस ना आए, किसी को समझ ना आए, वो जाने उसका मुकद्दर जाने, तारे की यार बड़ी मेहरबानी तुमने यहां तक मेरी रहनुमाई कर दी, अल्लाह की कायनात में अकेली हवेली है अबू तालिब की जिसमें उतरने वाला कोई बच्चा बेलिबास नहीं आया। जी बचड़ा, जी बचड़ा, जीवो, जी जी सही है दादा हुसैन इस तरह हमने, जी मेरा बचड़ा, शाबाश शाबाश, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मौला इस तरह हमने, गाजी इस तरह हमने, बोला करो इन बातों में भी बोला करो ना, मेहरबानी किया करो, अच्छी बात सुना करो, तुमने अच्छी बात सुननी छोड़, एक शहजादा भी इस हवेली में ऐसा नहीं है, अबू तालिब की हवेली में उतरने वाला कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो जमीन पे बेलिबास आया हो। अरे हाय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यही वो खानवादा है जो जन्नत से लिबास पहन के आए हैं, हम आदम और औलाद आदम बेलिबास आए हैं, हमारा बाबा पत्ते पहन के आया है। एडे वे प्यो के पुत्र हो, मैं उस नस्बत ना तुम वेखना हमेशा, तुसा पता नहीं कदे इस गल ते गौर किया नहीं किया, मैं तुम बुजुर्गों की नस्बत ना हमेशा वेखना, तुसा आख्या क्या बात है, मिंबर के खिलाफ की कसम है मेरे मूड च कौन आई, मेरा दिल ही बस मैं छोड़ा तो मैं नुसरत को टाइम मंगे आई वो हवाले करा हूं जो बंदे आ फाके नहीं बोल पैन। शौकत रजा कह रहा है अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली हवेली है अबू तालिब की जिसमें माँ को भी उस वक्त पता चलता है जब वो माँ बन जाती। शाबाश 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 लाला शौकत, गाजी इस्तां दे भी लाला, जी चाचा पुत्रां दे शार होने, जी मेरे बच्चे शाबाश शाबाश, जी मुर्शिद कलामबाद, जीवो अली मौला, आपके क्या कहने बेटा, चले बादशाह की कसम है याद करके पढ़ने का रिवाज नहीं मेरे यहाँ, आपने कहा क्या बात है तो आओ मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, कोई मासूम कोई इमाम ऐसा नहीं जो माँ के रेहले इस्मत पे कुर्बे सलात में नाजिल ना हुआ, तुहाडे वाले विलायत ना ही हलाली हरामी है तो उनकी पता मैं की पढ़े है, तुहाडे वाले विलायत का मतलब ये भी हलाली हरामी पढ़ो तो खलो जाओ तो अली हक ते मुक गई, उनकी पता मैं की आखिया, कुर्बे सलात में हर मासूम मुर्शिद मेहरबानी, हर मासूम माँ के रेहले इस्मत पे नमाज के बिल्कुल करीब, या सुबह की नमाज या जोहरैन की नमाज या मगरब ऐन की नमाज, चाह रखो लमा के सर पे कुरान, मुसलमानों की अम्मा से पूछा गया हुसैन की अम्मा का मेयार इस्मत क्या है, मुसलमानों की अम्मा ने कहा उसकी इस्मत क्या बताऊं मैं तुम्हें जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था, जोहर पढ़ के वो हसन की मां बनी, असर में दोनों का सर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शाबाश हाँ है तबीयत एक डेढ़ मिनट और बर्दाश्त करते हो या जाऊं, शिया मजहब पढ़ो इसना शरिया किताबें पढ़ो तो अजदा इमामिया मजहब पढ़ो, कोई मासूम ऐसा नहीं है जो जमीन पे उतरो और उसने आजाए सजदा जमीन पे रख के उसका सजदा ना किया, ये बात दाद वाली नहीं थी, नमाज की बात है इसलिए चुप कर गए हो,
नमाज की बात कर रहा हूं इसलिए चुप कर गए हो। जाओ मिंबर पे, कह रहा हूं कोई नमाज पढ़े ना पढ़े उसकी अपनी मर्जी, अली वाले को जरूर पढ़नी चाहिए, होती ही अली वाले की। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, पूरी कायनात सुन रही है, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं उस वक्त चौथी क्लास में पढ़ता था जब मेरी अम्मा मरहूमा ने मुझे नमाज याद कराई थी, मुझे अपनी माँ की कब्र की कसम है मैं तब से अब तक अली की गवाही देता। मैंने किसी मौलवी से नहीं पूछा, मैंने किसी जाकिर से नहीं सुना। इमरान साहब मैं पता ही भाई शी आज मैं मजलसा कटा देनिया नहीं, तुझे भी मैंने दसे अजे मैं बाहर टोर चलिया, मैं नहीं पता की बने अज। बहुत सारे बंदे मेरे तो नाराज हो जाना है मेरे जुमले ते बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, अपने मजहब की बुनियादों को मत हिलाओ, अली तशाहुद में है, तशाहुद नमाज में है। जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता वो क्यों अली के लिए? जो बंदा सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ रहा वो क्यों अली के लिए लड़ता है? अली तशाहुद में है, तशाहुद नमाज में है। अल्लाह अकबर। गाजी इस तरह ने अपना किबला ठीक करो, अपनी सम ठीक करो, तुम्हें आजादार लगना चाहिए, तुम्हें मातमी लगना चाहिए, तुम्हें हुसैनी लगना चाहिए। जिस दौर में हम दाखिल हो गए, आखिरी बात और जा रहा हूं मैं, जिस दौर में हम दाखिल हो गए इस दौर में सिर्फ हुसैनी होना ही जरूरी नहीं, हुसैनी लगना भी जरूरी है। तुम्हारे किरदार से, तुम्हारी गुफ्तगू से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारे अंदाज तखातुब से लगना चाहिए कि तुम किस घर के नौकर हो। 14 की कसम है, पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूं, दुनिया का कोई आम बंदा नमाज पढ़ के निकले वो दुनिया को बताता है मैं नमाज पढ़ के आया हूं, अली वाला नमाज पढ़ के निकले नमाज बताती है अली वाला आया था। बिल्कुल मैं अपनी जाकिरी के लिए नहीं कह रहा ये सारी बातें, मैं 40 बरस गुजार चुका हूं, दुनिया में मुझे वो मुल्क ही याद नहीं जहां शिया रहता और शौकत ने ना पढ़ाओ। कम से कम 68 मुल्कों में मैं हुसैन की नौकरी कर चुका हूं। मैं अपनी मजलिस के लिए, अपनी डायरी के लिए गुफ्तगु नहीं कर रहा, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, तेरी मर्जी, तू नमाज पढ़ न पढ़, आखिरी वसीयत हुसैन ने बहन को की है, या उख्ती ला तंसानी फी सलात लैल, ज़ैनब शाम गरीबा के अंधेरों में मुझे नमाज में फरामोश न कर। दिया दे काजों नहीं पीरा कटी आले मुर्शद जीवन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आधा मिनट में पढ़ गया, आधा मिनट में और पढ़ूंगा। मैंने भाई नुसर से वादा किया था मैं फजाइल इसी छोड़ देंगे, मैं अपने वादे पे कायम हूँ, मैं जा रहा हूँ ना, आज की मजलिस में मेरा फैसला हो जाना है भाई जाकिर है कि नहीं, शिया नु पता है मैं जिडेक जाकिर हूँ, मैं बड़ा मुतमैन। ला तंसानी फी सलात लैल, मुझे नमाज शब में फरामोश न करना, तेरी मर्जी पुत्र तू है कर ना कर, जे हुसैन ते है करनी ते फिर कर, जे किसे जाकिर ते करनी ते फिर तेरी अपनी मर्जी। अल्लाह अकबर। ला तंसानी फी सलात लैल, मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। ज़ुरियत इमरान शाह साहब, मुझे आपके इज्जतदार घर की कसम है, मैंने ये जुमला G62 में पता नहीं कितनी बार कहा, इस्लामाबाद वालों ने कितना मातम किया, मैंने कहा शाम गरीबा पहली बार अली की बेटी ने गाजी और चादर के बगैर नमाज। जी 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 जी, ओ मैं सदके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पहली बार अली की बेटी ने। मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, तुम में कोई एक दिन की भी सही आजादी है तो मेरी माँ से अफजल है, मैं कनीज का बेटा हूं। बेटा अपने पर्दे का ध्यान करो, बड़ा खर्चा हुआ इस पर्दे पे अली की बेटी का,
कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो अकेली आई हो, कोई बाप के साथ आई है, कोई बहन है तो वो चाचा भाई के साथ आई है, कोई माँ है तो वो बेटे के साथ आई है, कोई भतीजी है तो वो चाचा के साथ आई है, कोई पोती है तो वो दादे के साथ आई है। गेन 12 कदमों का फासला है इन मस्तूरात में और इस मिंबर में। जा किसी बच्ची से कह, 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची से कह, बेटा जरा मिंबर पे तो आ जाओ। कहेगी नहीं चाचा, मैंने शर्म आंदी है। बैठे भी अपने हैं, बाप बैठा है, भाई बैठे हैं, चाचे बैठे हैं, नाना बैठा है, दादा बैठा है, भाई बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं तेरे। तेरी 12 साल की बच्ची वहां से चल के यहां तक नहीं आ सकती। ले आ कुरान, रख मेरे सर पे। जब अली की बेटी शाम के बाजार में आई है, अल्लाह जाने नाचने वाले कितने थे, अल्लाह जाने ज़ैनब का मजाक उड़ाने वाले कितने थे, अल्लाह जाने अली की बेटी को पत्थर मारने वाले कितने थे। अल्लामा दरबंदी कहता है, 100,000 नफर बुदंद बराए तबला, 1,00,000 बंदा ढोल बजा रहा था, दरमियान में बाल खुले हुए, चादर उतरी हुई, कान फटे हुए, कह रही थी ओ मुझे चादर दो, ओ मैं सच्ची माँ की बेटी हूँ, ओ मैं अगले मोड़ पे।